तो चलिए लगातार आपको ये अपडेट दे रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में उचित मुआवजा को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। अपनी मांगों को मनवाने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भारी संख्या में महिला और किसानों का हुजूम प्राधिकरण के दफ्तर पर पहुंच गया। प्राधिकरण पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर नोकझोंक। सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि प्राधिकरण के ऑफिस पर हल्ला बोल देखने को मिला। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, मांगों को मनवाने प्राधिकरण पहुंचे थे ये किसान। महिलाओं और किसानों का जो जमावड़ा है वो देखने को मिला, तो बड़ी संख्या में किसान जो है वो मौजूद दिखे। ग्रेटर नोएडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से हो हंगामा किया गया। हालांकि इस भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस प्रशासन के भी पसीने छूट गए, क्योंकि लगातार किसान जो है अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तीनों कृषि कानून वापस देने की लगातार वो मांग कर रहे हैं, उनके प्रदर्शन भी देखने को मिलते हैं बीच बीच में। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्राधिकरण के ऑफिस पर हल्ला बोल करते हुए नजर आए ये किसान। बिजली विभाग के इंजीनियर अपनी मांगों को लेकर दो दिन के क्रमिक अनशन पर हैं। हड़ताली इंजीनियरों को वेतन विसंगतियां दूर करने समेत कई मांग है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सभी इंजीनियरों ने अपना CUG मोबाइल नंबर बंद कर दिया है। मध्यांचल विद्युत वितरण कार्यालय के सामने अनशन पर बैठे कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार और निगम दोनों उनकी मांगों की अनदेखी कर रही है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो पावर कॉरपोरेशन के इंजीनियर अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। लखनऊ से न्यूज स्टेट संवाददाता निखिल शर्मा की आप ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में आज बिजली विभाग के इंजीनियर हड़ताल पर है और राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने इस बात का ऐलान कर रखा है कि दो दिनों तक ये क्रमिक अनशन जारी रहेगा। पिछले वर्ष हमने जो है संगठन की प्रमुख जायज मांगे, चाहे वो वेतन विसंगतियों का मामला हो, जूनियर इंजीनियर का नॉन फंक्शनल ग्रेड पे समाप्त करने का मामला हो, जूनियर इंजीनियर से प्रमोटेड जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं उनकी तीसरी SCP के रूप में 8700 जो मिल चुका है उसे देने का, उसे छीन लिया गया उसे देने का मामला हो, या विभाग के कार्य पद्धतियों में जो व्यवहारिक कठिनाइयाँ धरातल पे मैन मनी मटेरियल या डिजिटलाइजेशन के युग में जो आज नए प्रयोग एप्स के माध्यम से सस्ती बिजली, हर घर बिजली, हर पल बिजली के साथ साथ बेहतर उपभोक्ता सेवा देने का कार्य सरकार का स्लोगन है, उसमें जो कठिनाइयाँ आ रही हैं उसको लेके हमने विगत वर्षों में उत्तर प्रदेश के बिजली मैनेजमेंट और सरकार से बातें की, लेकिन हमारे साथ छलावा हुआ, न्याय हुआ, समय से उसके न्याय नहीं देने के कारण लोगों में आक्रोश है। इस कारण पूरे प्रदेश में एक जूनियर इंजीनियर प्रोन्नत अभियंता सड़कों पर उतरा है। तो दो दिनों का ये अनशन है, क्रमिक अनशन है, और अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई यानी कर्मचारियों की जो शर्तें हैं वो नहीं मानी गई तो ये आंदोलन आने वाले समय में बढ़ेगा। यही नहीं कर भी जूनियर इंजीनियरों ने कह दिया है कि जो विद्युत व्यवस्था है वो भी आने वाले समय में प्रभावित हो सकती। लखनऊ से उड़नलेस दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।